आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने CP+ के कैमरे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लाइव कैसे देखेंगे, कैसे आप अपने कैमरे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CP+ के कैमरे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देखने के लिए हमें एक CP+ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। उसके लिए हम अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ मैं google.com ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप सर्च करें CP+। यहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। यहाँ आप सपोर्ट मेन्यू में सॉफ्टवेयर को ओपन कर ले। यहाँ से हम KMS Pro Win सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर ले। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड पर, तो आप वेट करें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे मैं ड्रैग करके डेस्कटॉप में ले आता हूँ। यहाँ से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर ले। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इस सेटअप में आप डबल क्लिक करके इसे रन कर ले। यहाँ आप टिक कर दे, नेक्स्ट में क्लिक करें। यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करें। यहाँ इंस्टॉल में क्लिक करें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इस प्रोसेस में भी कुछ समय लग सकता है, तो आप वेट करें। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ फिनिश में क्लिक करें। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ KMS Pro में डबल क्लिक करके इसे आप ओपन कर लें। फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ आपसे ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड पूछेगा, तो आप कोई भी पासवर्ड यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ ऑटो लॉग इन आफ्टर रजिस्ट्रेशन में टिक कर दे, नेक्स्ट में क्लिक करें। यहाँ आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप अपने अनुसार किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेट कर दे। उसके बाद यहाँ फिनिश में क्लिक करें। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ ऑटो सर्च में क्लिक करेंगे तो आपके नेटवर्क में जितना भी कैमरा कनेक्टेड होगा उसे आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। मैं आपको मैन्युअली कैमरे को ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ आप डिवाइस का नेम सेट कर सकते हैं। यहाँ मेथड टू ऐड में आप सीरियल नंबर सेलेक्ट कर ले। यहाँ आप जिस भी कैमरे को ऐड करना चाहते हैं उस कैमरे के DVR का सीरियल नंबर यहाँ टाइप करें। ग्रुप नेम में डिफ़ॉल्ट ग्रुप ही रहने दें। यहाँ आप उस कैमरे का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करें। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है वो ऐड हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं स्टेटस में ऑनलाइन शो हो रहा है। इसका मतलब ये कि जहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ है वो अभी ऑनलाइन है। अब मैं इस कैमरे का लाइव व्यू देखता हूँ। उसके लिए आप न्यू में क्लिक करें। यहाँ आप लाइव व्यू में क्लिक करें। यहाँ आप अपने कैमरे को सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं हमारा कैमरे का लाइव व्यू शुरू हो चुका है। तो इसी तरह आप अपने कैमरे का लाइव व्यू अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देख सकते हैं। अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।